बतवीजो मतशाह बतवीलो मतशाह, मैं सबसे पहले अपने महबूब कायद अगर के पार्लीमेंट लीडर नाम वगैरह सब राजा शफीक साहब हमारे बड़े भाई नौ मुखिर जिला मुकाबला बिल्डिंग मेम्बर फवाद अहमद सिद्दीकी साहब, राजा ताहिर साहब मेरे भाई, राजा अकील साहब, इस महफिल के दूल्हा और मेजबान मोहतरम जनाब राजा गफार साहब और हमारे प्यारे भाई हाफिज अहमद साहब, आज कबीर साहब आई साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे पंडाल में जितने भी भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका मैसर किया। गफार साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने आज जो फैसला किया है, इस फैसले पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पछतावा नहीं होगा। और ये फैसला यहाँ कुछ मामूली नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में इस फैसले का सब्र आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आम पांच उम्मीदवार से नौ लेकर दर्द हुआ टिकट के, इसमें हाफिज अहमद साहब, मास्टर गफार साहब, राजा अकील साहब और मैं, और हमारे पांचवें जो है वो राजा ताहिर साहब थे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी मोहब्बत की वजह से हम चार एक जगह बैठे हुए हैं, हमारा एक बंदा बाकी रह गया पीछे। इस कोशिश और काबिश में मैं राजा शफीक साहब को सलाम पेश करता हूँ। और शफीक साहब, जैसे आपने कहा है, ये मन ऑन आपकी जो बातें उन पर मैं अमल करूँगा। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ये जो आज टिकट मुझे मिला है, इसके बाद मैं टिकट का उम्मीदवार नहीं हूँ, इनमें से किसी को मिलेगा तो मैं इनका कारकुन बन के काम करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन तुफार साहब, अल्लाह ताला ने अगर आप मुझे मौका दिया जैसे आपने फरमाया है, तो मैं आप भाइयों की क़यादत में काम करूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे काम करूंगा, और जैसे आपका फरमान होगा वो मेरी सर आंखों पर होगा। मैं आपका इंतहा शुक्रगुजार हूँ। राजा अकील साहब ने पहले आगाज़ किया, फिर अहमद साहब ने, आज मेरे भाई राजा गफार साहब ने, और ये मेरा अपना घर है, उनकी जितनी भी फैमिली है गुलपत से, जितने भी बिलोंग करते हैं सारे मेरे भाई, मेरे भतीजे पप्पू यहाँ बैठे हुए हैं, ये पैर सब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ये जो एहसान अजीम आपने मुझ पर किया है, ये इंशाल्लाह अगर जिंदगी वफा की तो ज़रूर इंशाल्लाह इसकी वफा लुटाऊंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर मुझसे किसी मौका पर कोई शिकायत है आपसे, या आपने ये समझा है कि अफ्ताब के यहाँ कभी कभी है, तो मैं आपसे इस महफिल में माफ़ी मांगता हूँ। और मैं छोटे से लेकर बड़े तक हर बंदे का एहतराम करता हूँ, करता रहूँगा। और जैसे शफीक साहब ने फरमाया, बहुत अच्छी बातें की हैं गफार साहब ने भी, अहमद साहब ने भी, अब मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ आयद हो गई हैं, तो इंशाल्लाह इंसान जो है वो फरिश्ता तो नहीं है, गलती का पुतला, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि किसी जगह कोई वायलेशन ना हो, और इंशाल्लाह भरपूर आपके हुक्म की तर्जमानी करूँगा। अजी कबीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी मेरे भाई, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। मैं आपसे मुखातिब हूँ कि मैं पहली बार इस इलेक्शन के दंगल में आया हूं, मैंने बार बार इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं आप सब से मुखातिब हूं कि 27 तारीख को शेर पर मोह लगाकर, ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये हमारे कायद की कामयाबी है और मेरे वजू लोगों की कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ यूनियन काउंसिल की वो तरफ ये तरफ कोई बॉर्डर नहीं है, यूनियन काउंसिल एक है, हम सब एक है। और मैं इस डे के वाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पांच उम्मीदवार थे तो पांच में थे, पांच में से चार गठे हो गए, तो ये पांच पूरे होने चाहिए। भाई तारक को भी दावत देता हूं कि वो भी आए और पूरी बरादरी पर एहसान अज़ीम करें। मैंने उस दिन फौज का मुकाबला भी कहा था और आज भी कहता हूं, ये जो फैसले आपने किए हैं, ये फैसले आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी बड़ी शान बड़ी है, आपकी इज्जत में कितना बड़ा इजाफा हुआ है, ये खुदा जानता है और सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और जो इस फैसले की वालिशी करता है वो अपने जवाब को भी जानता है। मैं सभी को कहता हूं, बड़े दुख की बात है कि पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर नहीं है, तरीके साहब का नहीं है, मेरे मुकाबले में 2000 खड़े हैं, ठीक है, अगर वो अपने खड़े तो मैं बिना मुकाबला बनता, तो ये भी बड़ी आनंद की बात होती है यूनिवर्सिटी की है।
कि यहाँ यूनियन कौंसिल में गुजूर लोग रहते हैं और उन्होंने अपने आदमी को बिना मुकाबला मुस्किब किया। यह आवाज पूरी आजाद कश्मीर के अंदर जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, यह इलेक्शन के अंदर मुकाबला करना भी बहुत जरूरी होता है, यह भी अच्छी रवायात होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुकाबला मुकाबला होना चाहिए, यह बनावट से काम लेना अच्छा नहीं होता है। मैं अब भी जो भाई नाराज हैं उनसे भी इल्तमास करता हूँ कि इस काफिले के सिपाहसालार बने। आप जो तीन भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप तीनों भाइयों की क्यादत में इस काफिले के साथ आपने चलना है, इस काफिले के सिपाहसालार आप ही हैं और मैं भी आपकी जेर से चलूंगा। आप भरपूर मेरा साथ दें, कंपेयर करें इंशाल्लाह। मैंने कहा था वो मंतशा व तजीलो मंतशा, जब अपने रब ने ये कुरान माफ में फैसला किया हुआ है, निचाऊ इज्जत दो निचाऊ जिलत करूं, तो जलील अगर उसे करना है तो सभी साथ हो जाएं, तो पता जलील हो जाता है। अगर उसे इज्जत देनी है तो दुनिया नाराज हो जाए, उसे इज्जत देनी है उसका वादा है और मैं उसका मुकम्मल यकीन रखता हूँ। तो मैं गफार साहब आपका इंतहा शुक्रगुजार हूँ और आपके जो मोहब्बत और प्यार आपने मुझे दिया है, मैं आप तीनों भाइयों का इंतहा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह ये वफा जरूर रंग लाएगी और इंशाल्लाह आपका ये फैसला तो साबित होगा। बहुत मेहरबानी, बहुत नवाज़, बस सलाम। माशाल्लाह नाम।